लिहाजा यहाँ पार्डर में पंगा मत बनवाओ। हम रिक्वेस्ट करते हैं आरटीओ साहब से भी और मेरे तरफ से डीसी साहब को भी यही संदेश रहेगा कि सर यहाँ पे आपने खुद विजिट किया हुआ है, तैयारी जाओ तैयारी जाओ। हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? शशि भाई ने भी यहाँ पे बताया कि अगर आपने हमारी छोटी गाड़ियाँ बंद करनी है तो हमारे परमिट जो है, हमारे परमिट जमा कर लो और हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो गाड़ियाँ कोई रूट ही नहीं, जाएं जसनाई जाएं, इधर बर्फ पड़ी हुई इस्तारी जाएं, इधर बर्फ पड़ी हुई है। ये किस्तौड़ किस्तौड़ का रूट सर्दियों में ऐसा था जिसपे हम अपने किस्तें जो निकाल सकते थे, लेकिन आज उस पे भी उसने ठप्पा लगा दिया कि जाओ भाई पार्टियों को। आए दिन यहाँ पे मेटाडोरें लग रही है किस्तौड़ के लिए, तैयारी इस्तारी के लिए, कुंडेल के लिए, हर जगह मेटाडोरें लग रही है। तो हमारा एक सवाल हम पुट अप करते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? सबसे पहले मैं अजहर भाई आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब मेरे को इधर बस स्टैंड इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैंने जम्मू में ही सुना कि दो मेटाडोरें यहाँ पे चल रही है। जब ड्राइवरों ने फ़ोन किया कि भाई साहब यहाँ पे दो गाड़ियाँ चल रही है, बसें चल रही है, तो मैंने पता लिया कि भाई साहब ये कैसी चल रही है, किसने चलाई बसें। किस्तवाड़ की पहले भी एक बस चली थी, हमने उसको बोला और वापस चला गया था। उसके बाद जब यहाँ पे आके मैंने उस्ताद लोगों को बुलाया, ड्राइवरों को प्यार से, ड्राइवर कंडक्टर जो थे बस के उनको बुलाया कि भाई साहब ये जो गाड़ियाँ हैं कहाँ से आई है, क्या है, क्यों आई है। तो ड्राइवर लोगों का कहना है कि भाई साहब सरथल से गाड़ियाँ आई हुई है और हमने यहाँ पे चलना है। तो भाई साहब मैं आपके माध्यम से आरटीओ साहब को यही कहना चाहता हूँ कि आरटीओ साहब यहाँ पे उतनी आबादी तो है नहीं चंडीगढ़ की तरह कि यहाँ पे बस कपड़े फाड़ने वाली बात, मतलब खड़े खड़े जाएं आए, उतना रश है जो कि हम संभाल नहीं पा रहे। यहाँ पे हमारे पास अपनी 60-70 गाड़ियां आरटीओ साहब भली भांति जानते हैं, 70 गाड़ियां यहाँ पे जो की सारी गाड़ियां खड़ी है और ऊपर से हर दिन परमिट पे परमिट देते जा रहे हैं और गाड़ियां की गाड़ियां आ रहे हैं। हम इनको लगाएं लगाएं कहाँ लगाएं? उसके बाद 70 किलोमीटर कौन कौन सा गाड़ी का, छोटी गाड़ी का परमिट जो रूल बन गया 70 किलोमीटर मिनी बस का परमिट मिल रहा। अगर आरटीओ साहब ने छोटी गाड़ियों हमारी बंद करके मेटाडोरें ही चलानी है तो अपने मैं अपने तरफ से बता देता हूँ कि हमारे परमिट जमा करवा दे और अपने बसें चलाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर गरीबों के पेट पे लात ही मारना है तो फिर अपनी गाड़ियां चलाओ और हम चुपचाप बैठेंगे। पहले भी मुलाकात हुई थी हमारे को जब यात्रा में आरटीओ साहब आए थे, हमने उस दिन भी आरटीओ साहब को बताया था कि साहब हमारे, हमने अपनी पूरी पूरी हिस्ट्री बताई कि सर हमारे पास जो लोन है सबको फंसे हुए है, किस्तें बैंक में जाओ मैनेजर को पता करो सबकी किस्तें ड्यू पड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास कोई रूट ही नहीं, जाएं जसनाई जाएं, इधर बर्फ पड़ी हुई इस्तारी जाएं, इधर बर्फ पड़ी हुई है। ये किस्तौड़ का रूट सर्दियों में ऐसा था जिसपे हम अपने किस्तें जो निकाल सकते थे, लेकिन आज उस पे भी उसने फिर ठप्पा लगा दिया कि जाओ भाई पार्टियों को कर दो बंद। लेकिन सर ये अच्छी बात नहीं है, ये गरीबों के पेट पे लात मारना हुआ, अगर आपने चलानी है तो इनको बंद कर दो टैक्सियों को और अपनी गाड़ियाँ चलाओ, बसें चलाओ, हमारे को नहीं है ज़रूरत। या तो फिर समूचली हम बता रहे हैं, आज हमने ड्राइवर को बता दिया कि कल के बाद अगर हमें, आज हम प्यार से बताते हैं कि भाई साहब मत आओ इधर, आरटीओ साहब को बताओ परमिट क्लियर ही दे दे, एटीपी एमपी बंद करो, अगर देना परमिट दे दो, नहीं तो ये तो सिर तोड़ाने वाली बात हुई, ये तो शुक्र करो मैं आ गया इधर टाइम पे, नहीं तो ड्राइवरों का क्या भरोसा, जिसको अपना पेट पे लात मारना लगने वाली बात होती है ना वो किसी को भी लात मार सकता है। लिहाजा यहाँ पार्डर में पंगा मत बनवाओ। हम रिक्वेस्ट करते हैं आरटीओ साहब से भी और मेरे तरफ से डीसी साहब को भी यही संदेश रहेगा कि सर यहाँ पे आपने खुद विजिट किया हुआ है, तैयारी जाओ तैयारी जाओ, सारी रोडें बंद हुई है, कोहरा लगा हुआ है, एक्सीडेंट का खतरा है, लेकिन यही रूट हमारे एक सर्दियों के लिए बचता था इसको भी दबा के रखा हुआ, दो दो मेटाडोरें लगाई और सुनने भी आए दो और भी आ रही है। लिहाजा सर हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे को ये खजल मत करो, प्यार से जो हम चल रहे हैं हमारे को चलने दो। जय हिंद जय भारत। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि आप हमारी हर एक बात को यहाँ से उजागर करते हैं, तो हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं। सर ये, सर देखो ये JK 17, ये 11-12 जो गाड़ी है, हाल ही में कुछ दिनों से ये गाड़ी शुरू हुई है और एक दूसरी गाड़ी है JK 17, ये 12-12 उस गाड़ी का नंबर है, वो शाम को आने वाली है। तो
मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि हमारे शशि भाई ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की डीसी साहब से या आरटीओ साहब से रिक्वेस्ट की, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर यहाँ पे कई बार आपके साथ हमारी मीटिंग हुई, हाल ही कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक दूसरे मेटाडोर का मसला चल रहा था, तो हमारा आरटीओ साहब से हमारी मीटिंग हुई, तो मीटिंग में हमने बताया कि सर पिछले 3 सालों से यहाँ पे कोरोना महामारी चली, 2019 से लेकर 2022 तक कोरोना महामारी चली, तो 3 सालों में हमने जो गाड़ियों की किस्तें थी वो ऐसे अपने जेब से भरी हैं फ्री में, और कागज जो थे तो कागज भी हमने अपने जेबों से भरे। तो इस मसले में हमने आरटीओ साहब के साथ बात की थी कि सर हमने 3 साल गाड़ियां खड़ी रख के कागज भी भरे और किस्तें भी भरी, लेकिन 2022 से थोड़ा सा मतलब ये कोरोना महामारी जो थी वो थोड़ी बंद हुई, तो हम थोड़ा सा हिलने जुलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर दिन आए दिन यहाँ पे मेटाडोरें लग रही है, किश्तवाड़ के लिए, त्यारी इश्तारी के लिए, कुंडेल के लिए, हर जगह मेटाडोरें लग रही है। तो हमारा एक सवाल हम पुट अप करते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। शशि भाई ने भी यहाँ पे बताया कि अगर आपने हमारी छोटी गाड़ियाँ बंद करनी है तो हमारे परमिट जो है हमारे परमिट जमा कर लो और हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो गाड़ियाँ भी जमा कर लो। जब हमें कहीं पे कमाने के लिए कोई साधन नहीं है तो फिर हमने गाड़ियाँ निकालने का, या फिर आप आए दिन गाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ पे उनको परमिट दिए जाते हैं, तो परमिट फिर आप किस बेस पे दे रहे हैं, जबकि आपने खाली मिनी बसें चलानी है तो फिर छोटी गाड़ियों का परमिट आप किस लिए दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं। तो इतना मेरा कहना है, तो बाकी जय हिंद जय भारत।